हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जो कि आपके बजट में बिल्कुल फिट होगा और कम प्राइस में आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला 5G फ़ोन आपके लिए लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जितने भी फ़ोन यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो सभी के सभी प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको चेकअप कर सकते हैं और साथ ही साथ इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर पर जो फ़ोन है वो है पोको के तरफ से पोको M4 5G, जो कि आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB रैम और एक 6GB रैम। आपको 4GB रैम का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 12,000 रुपये और 6GB रैम का जो प्राइस है वो आपको पड़ जाएगा 15,000 रुपये, यानी कि 12,000 से 15,000 के बीच में ये वेरी करते रहता है ये फ़ोन, और इसका प्राइस जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होते रहते। और बात आगे हम बढ़ते हैं, इसका जो स्टोरेज आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है और 6GB रैम वाले के साथ 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग अब हर फोन में आते हैं। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे 6.5 इंच का LCD HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो कैमरा दिया है आपको 50+2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी की, तो आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, और इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस फोन में आपको डुअल 5G सिम देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों स्लॉट में आप 5G का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फोन का जो डिस्प्ले है वो आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है इस फोन में। और भी इस फोन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के इसके सारे स्पेसिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी फटाक से नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए जितना फोन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप चेकअप कर सकते हैं, तो आपको जानने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फोन का जो प्राइस है वो हाई होता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फोन का परफॉर्मेंस भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगले फोन की बात करते हैं जो है मोटरोला के तरफ से G51 5G। तो फ्रेंड्स, ये जो फोन है आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 15+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और हम बात करते हैं इसमें सिम स्लॉट की, तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप या तो एक टाइम पे दो सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पे ड्यूअल सिम 5G आपको देखने को मिल जाता है इस फोन में भी, यानी कि आप दोनों सिम को ही 5G पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि साउंड क्वालिटी काफ़ी अलग नेक्स्ट लेवल का आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसमें आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, टाइप सी भी इसमें आपको मिल जाता है, यानी कि टाइप सी के साथ हेडफोन जैक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये एक गेमिंग मोबाइल फ़ोन नहीं है, उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है कि आप इसको इस पर आप गेमिंग कर पाओ। आप एवरेज काम कर सकते हो, यानी कि आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कुल मिलाकर के ये फ़ोन एवरेज ठीक ठाक है, अगर लो बजट के हिसाब से अगर मान लिया जाए कि अगर आपका बजट कम है तो आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला फोन निकल के आता है वीवो T1 5G। इसमें आपको 4GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है इस फोन में। तो अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की, तो यहाँ पे 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसका रियर कैमरा की, तो आपको 50+2+2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। और प्रोसेसर की जहाँ बात किया जाता है, आपको स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस फोन में भी आपको ड्यूअल 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप दोनों सिम में भी 5G यूज़ कर सकते हैं। इस फोन में अभी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी फोन लॉन्च होते हैं वो 4GB रैम या फिर उसके साथ आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, या फिर उसमें जब 6GB रैम आता है तो इसमें आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन ये फ़ोन ऐसा है, आपको यहाँ पे आपको 4GB रैम तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में आपको स्टोरेज से रिलेटेड को भी दिक्कत नहीं आने वाला है।
और फ्रेंड्स इसमें भी आपको टाइप सी के साथ साथ 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इसमें भी चार्जिंग के साथ साथ गाना सुन सकते हैं। कुल मिलाकर के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एवरेज ठीक ठाक है। आप इस पर ज़्यादा देर तक गेमिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसमें 5G का आनंद ले सकते हैं क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है आपको प्रोसेसर पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि इसका प्रोसेसर वो उतना सही नहीं है। आप इस पर अगर आप गेमिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको मत खरीदिए। हाँ, लेकिन अगर आप YouTube वीडियो देखते हैं या फिर नॉर्मल यूजर्स के लिए लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे फ़ोन बाकी रह गए हैं, मैं चाहता हूँ उसको अलग नेक्स्ट वीडियो में उसको लाऊं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अगर मैं जब भी इसका अगला वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।